इसी तरह से कोर्फ दो है, और कोर्फ दो के बारे में भी बहुत सारे बातें दी गई है, और मैं कोर्फ दो के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच जो स्वाति मैडम है वो बैठे हैं, जो आपका कोर्फ के बारे में जानकारी देंगे। मैडम आप सबको नमस्कार, मेरा और कोर्स दो में आप सबका स्वागत है एससीईआरटी की डेस्क की तरफ से। और इसके पहले मैं साहू सर को धन्यवाद देती हूँ एफएलएन को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और अब जो टॉपिक है हमारे बीच कोर्स टू, वो है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर पढ़ना। तो समय को देखते हुए मैं इसको शॉर्ट में लूंगी कि किस प्रकार से आप इसमें समझ बना सकते हैं। ये जो आपके लिए यहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा है उसका आधार ये है कि आपको ये सब ऑनलाइन पूरी सामग्री मिलेगी, लेकिन आपको उसको कैसे पढ़ना है और उसमें से आपको क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा टिप के तौर पर बताया जा रहा है। मतलब मुख्य मुख्य बातें जो है वो आपके लिए शेयर की जा रही है ताकि आप उस कोर्स को पढ़ सकें। जैसा जस्ट ऐसा कि जैसा होता है मूवी के पहले उसका ट्रेलर, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसकी मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगी। तो दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना ये आपका कोर्स है, और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप क्या कर सकेंगे ये आपको मैं बता देती हूँ, यानी कि इसके उद्देश्य। तो इस कोर्स को जब आप पूरा कर लेंगे तो दक्षता और सीखने के प्रतिफल, ये जो दो शब्द हैं नए, इनको आप अंतर कर सकेंगे। और दक्षता आधारित शिक्षा की ओर क्यों जा रहे हम, उसके बदलाव की, इस बदलाव की क्यों आवश्यकता है, इसको बता पाएंगे। और इसमें फिर भारत में क्या पहल की गई है इसके लिए, वो आप बता पाएंगे। और बाकी दो जो पॉइंट इसमें हैं वो तो आपने एफएलएन में सुन लिए हैं। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि दक्षता आधारित शिक्षा हमको क्यों चाहिए। तो कोई भी नई चीज़ हम जब लागू करते हैं तो हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वर्तमान में हम कैसे हैं। यदि हम सिंपल एग्जांपल से समझें तो हम कार ड्राइव करना सीखना चाह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वर्तमान में हम क्या चला पाते हैं। क्या हम साइकिल चला पाते हैं या बाइक चला पाते हैं या कुछ भी चला पाते हैं क्या? क्योंकि यदि हम कुछ करते होंगे तो कार ड्राइव करना सीखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमको ट्रैफिक रूल्स पता होंगे कि हमको भारत में बाईं ओर चलना है, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो इसी प्रकार दक्षता आधारित शिक्षा की ओर जाना है तो हमको पता होना चाहिए कि आज की शिक्षा प्रणाली से हमारी क्या अपेक्षाएं रहती। तो आज की शिक्षा प्रणाली हमें ये सिखाती है कि नियत समय पर हमको विद्यार्थी को सिखा देना है, मतलब तिमाही के पहले, छिमाही के पहले का जो कोर्स है वो हमको पढ़ा देना है। तो दूसरा पॉइंट यही हो गया कि कोर्स की विषय वस्तु जो दी गई है उसको हमको ख़त्म करना है, या कहना चाहिए कि उस पर हमको समझ बनानी है। और जो कुछ सीखना होता है वो सीखना सिर्फ साप्ताहिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इनके लिए हमको सीखना होता है। तो ये आज की शिक्षा प्रणाली की बात हो गई। अब इसमें हम जब दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली ला रहे हैं और उससे सीखना चाह रहे हैं तो ये क्यों, कैसे हमारे पास आएगा? तो इसको मैं थोड़ा समय को देखते हुए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलती हूँ, क्योंकि उसमें ये भी आ जाएगा कि दक्षता आधारित शिक्षा वास्तव में है क्या। तो दक्षता आधारित शिक्षा में हम क्या करते हैं कि उसमें समय निर्धारित नहीं होता, आपको टाइम बॉन्डिंग पीरियड नहीं मिलता कि आपको ये अर्धवार्षिक में करा देना है, ये वार्षिक में करा देना है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये होता है कि बच्चे उस दक्षता का प्रदर्शन कर पाए। इसमें दूसरा पॉइंट जो है कि प्रत्येक बच्चे के लिए प्रयुक्त समय, तो ये क्या है, हर बच्चे की जितनी क्षमता है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और कुछ को अधिक अभ्यास की जरूरत रहती है। तो इसमें क्या है कि ये छूट आपको मिलती है कि आप प्रत्येक बच्चे को उसके समय के अनुसार सिखा सकें। फिर इसमें सीखने का मार्ग भी अलग अलग होता है। जैसे अभी तक ये होता था कि हम सब बच्चों को एक ही तरीके से सिखाते थे, चाहे कोई भी तरीका अपना रहे हो, चाहे व्याख्यान का हो या गतिविधि का हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम हर बच्चे के लिए अलग अलग नहीं करते थे। यहाँ पर आप हर बच्चे को अलग अलग कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। फिर तीसरा इस शिक्षा में फायदा ये है कि छात्र, शिक्षक और अभिभावक, यानी उनके माता पिता को भी पता है कि हमको क्या सीखना है,
और छात्रों को भी पता है कि हमें क्या सीखना है और शिक्षक को भी पता है कि हमें क्या सिखाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात हमसे करता रहता है और यदि हमको ये पता रहे कि वो वास्तव में हमसे लास्ट में क्या पूछेगा, या वो पहले से पता रहे कि वो क्या बताना चाह रहा है, टॉपिक पता रहे या शीर्षक पता रहे, तो हमको समझने में और उसका सार निकालने में बहुत मदद हो जाती है। तो ये इस दक्षता प्रणाली की विशेषता है कि यहाँ पर छात्र और शिक्षक और माता पिता को पता है। जैसे कभी क्या होता है कि छात्र बहुत मेहनत से सीखता है परंतु कुछ चीज़ों में चूक जाता है, शिक्षक बहुत मेहनत से सिखाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें वो भी अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन चूंकि माता पिता अपने बच्चों से बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं तो यदि माता पिता को भी पता रहे कि आज मेरे बच्चे को क्या सीखना था, तो हो सकता है वो अपनी लोकल भाषा में या लोकल उदाहरण में या पहले से वो अपने बच्चे से जिस प्रकार से जुड़े हैं, जिसको हम बेस नॉलेज कहते हैं या आधारभूत उसको ज्ञान है कि मेरा बच्चा यहाँ तक जानता है और आज इसके आगे इसको बताया गया, तो वो उसको लिंकअप कर सकता है, बहुत अच्छे से जोड़ सकता है, जिसको अपन शिक्षा की भाषा में कहते हैं पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तो ये माता पिता बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो उनको भी पता रहे तो हमारे जो सीखने की क्षमता है वो बहुत आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार इसमें आगे के भी जो तीनों पॉइंट है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर लास्ट वाले को लेती हूँ कि शिक्षण विधि गतिविधियों, अनुभवों, कला, खेल, तकनीक आदि के एकीकरण पर आधारित होती है। जो मैंने पहले ऊपर बात करी सीखने का मार्ग भिन्न भिन्न है, ये सीखने के मार्ग हैं कि उसके अपने अनुभव पर शिक्षण विधि कला पर आधारित हो सकती है, खेल पे सिखा सकते हैं उसको, और तकनीक के आधार पर, मतलब कि कुछ चीज़ें कभी क्या होती है कि उसको दिखाई जाए तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है, जैसे हर जगह नहीं जा पाता है, पर्यावरण का अपन उदाहरण ले, मान लो ज्वालामुखी पढ़ा रहे हैं उसे, तो ज्वालामुखी पे जाना हर किसी के बस बात की संभव नहीं है, तो उस समय हम तकनीक का सहारा ले सकते हैं और बहुत अच्छी पिक्चर्स उसकी ला सकते हैं और उसके बाद उसको दिखा सकते हैं, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे और कोई साधन यदि शिक्षक के पास है तो उस पर अपन दिखा सकते हैं। तो ये हो गया दक्षता आधारित शिक्षा। अब इसी की अवधारणा पर जो हम नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दी गई है कि ये कैसे इसको ले जाया जाता है, तो इसमें क्या है, शिक्षक जो रहता है उसकी जो विद्यार्थी की व्यक्तिगत तैयारी जो रहती है उसके आधार पर करते हैं और उसकी विभिन्न पृष्ठभूमि और परिस्थिति से जो बच्चे आते हैं उसके आधार पर करते हैं। अब विभिन्न पृष्ठभूमि को मैं थोड़ा सा बात करूँ तो ये होता है कि कहीं कहीं पर बच्चे जो रहते हैं, खास करके ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, ये चल रहा है आपका क्लास 5 तक के लिए, तो इसमें ये होता है कि बच्चे कहीं कहीं कहना चाहिए ऐसे माता पिता के पास से आते हैं या ऐसे बड़ों के पास से आते हैं जो अपने बच्चों से प्रतिदिन बात करते हैं, उनको कहानी सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या हुआ आज शाला में, या आने के बाद पूछते हैं दोस्तों के बाद बीच क्या बातचीत हुई, कैसा खेले तुम, क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर बच्चे के लिए सीखने की बहुत मदद हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके घरों में बात करने के लिए उनके पास बड़े उपलब्ध नहीं रहते, तो वहाँ पर ये जो अलग अलग पृष्ठभूमि और परिस्थिति आती है उस पर शिक्षक जो क्या है ध्यान देते हैं और उसके अनुसार उसके व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षा दी जाती है। मतलब कि कुछ बच्चे पहले से थोड़ा सा घर से करके आ गए और कुछ बच्चों को शिक्षक कल जहाँ छोड़े रहते हैं वहीं से अगले दिन आगे ले जाते हैं, ये अंतर है ना। तो फिर उसके बाद इसमें ये है कि लचीलेपन से छात्र सीखने का आनंद लेते हैं, तो ये जो लचीलापन मिला बच्चे को उससे क्या है वो सीखने में उसका मन लगने लगता है। फिर उसके बाद आगे अपन लेते हैं, मैं थोड़ा समय को ध्यान देते हुए चल रही हूँ, जो पॉइंट है दक्षता आधारित शिक्षण अधिक्रम छोटे और क्रमिक चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए क्लास 3 पर्यावरण का एक एलो है सीखने का प्रतिफल कि पेड़ पत्तियों तनों छाल को पहचानते हैं। अब इसको हम यदि पारंपरिक रूप से पढ़ाएंगे तो हम किताबों में दिए गए चित्र के ही आधार पर पढ़ाएंगे, लेकिन यदि हम दक्षता आधारित पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाना संभव नहीं होगा, तो हम पेड़ पत्ते सॉरी पेड़ तो नहीं उसके पत्ते और छाल वगैरह हम लेके आएंगे कुछ विभिन्न किस्मों के,
और उसके बाद उसको छोटे छोटे और क्रमिक चरण यानी कि स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं उसके आधार पर हम पढ़ाएंगे, यानी पत्तियों को पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसके तनों को पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में छाल तक ले जाएंगे, क्योंकि छाल थोड़ा बच्चों के हिसाब से कठिन है। तो ये इसको हम छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। तो ये फिर उसके बाद हम प्रत्येक बच्चों का आकलन करेंगे, प्रश्न पूछने की उनको स्वतंत्रता देंगे, बच्चे भी प्रश्न पूछे, हम शिक्षकगण भी प्रश्न पूछे, तो उससे क्या है कि उनके बीच एक अच्छा सा तालमेल बनेगा और सीखने का एक वातावरण निर्मित होगा। फिर इसी में था कि शेष कठिन स्थलों का पता लगाने के लिए रोचक और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। तो ये जो एग्जाम्पल मैं दे रही थी पेड़ की पत्तियों, तनों और छाल का, तो इसमें कठिन वाला भाग छाल हो सकता है कक्षा तीन के लिए। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि छाल विभिन्न पौधों की निकाल के पेड़ों की लाएंगे और उसकी छाप कॉपी के पन्ने पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, एक अपने बच्चों के साथ वो अंतक्रिया करेंगे और उसके बाद स्वयं के सीखने से प्रतिपुष्टि, मतलब उनका जो फीडबैक आएगा उससे, उस फीडबैक के आधार पर फिर शिक्षक उसमें कुछ सुधार करते हुए जोड़ सकते हैं और एक जो कठिन अवधारणा थी वो सीखने के लिए बहुत सरल हो जाती है। तो ये दक्षता आधारित शिक्षा की मुख्य बातें हैं। इसमें कुछ बातें और रह गई हैं लेकिन उसको फिर अपन कभी कर लेंगे और अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसी में आप इस कोर्स में ही इसको भी पढ़ेंगे, जैसे मैंने सबसे पहले वाले में कहा कि उद्देश्य में कि आप दक्षता आधारित शिक्षण और सीखने के प्रतिफल में अंतर कर पाएंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी दक्षता आधारित शिक्षण की। दक्षता आधारित शिक्षण को आपने बहुत संक्षिप्त में जाना लेकिन आपने जान लिया। अब मैं दूसरा जो शब्द है सीखने के प्रतिफल, इसकी बात करूंगी। तो सीखने के प्रतिफल क्या है, सीखने का प्रतिफल जो है वो बच्चे ने जो दक्षता प्राप्त कर ली उसका प्रमाण है। और सीखने के प्रतिफल एक कहना चाहिए विशेष कथन है जो कि एनसीईआरटी से मिले हैं हम सब शिक्षक गणों को, और उससे ये पता चलता है, ये एक मेजरिंग टूल है यानी कि इसे मापा जा सकता है कि हमारे शिक्षार्थी ने कहाँ तक अधिगम कर लिया है। तो ये एक टूल है कहना चाहिए। दूसरा, दक्षता के लिए मापने योग्य परिभाषित जो प्रतिफल है किसी भी एक दक्षता के लिए, जैसे अभी हमने पेड़ छाल का उदाहरण लिया जो, तो उसमें कई प्रतिफल भी आएगा या एक प्रतिफल से अनेक दक्षता भी आ सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद सीखने के प्रतिफल क्या है, सीखने के प्रतिफल अनिवार्य रूप से दक्षताएं प्राप्त करने के आवश्यक प्रमाण है। सीखने के प्रतिफल से ये पता चलेगा कि बच्चा अमुक दक्षता प्राप्त कर लिया है या नहीं। धन्यवाद सर, माफ करेंगे मुझे। अब इसके बाद सीखने के प्रतिफल की एक और विशेषता है कि जो लाइन से दिए हुए है ना वो पद के क्रम अनुसार नहीं है, मतलब कि आपने पहला प्रतिफल पढ़ाया उसके बाद ही आप दूसरा प्रतिफल पढ़ाएंगे ये कोई जरूरी नहीं है। आप प्रतिफल के किसी भी क्रम अनुसार अपना शिक्षण कर सकते हैं। तो ये हो गया सीखने के प्रतिफल की परिभाषा। अब इसमें मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा अंतर पे। तो अंतर क्या है कि जो दक्षता शब्द है वो बिल्कुल शाब्दिक है, मतलब कहने का कि यदि आप पढ़ने पढ़ाने से दूर किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि दक्षता मतलब क्या है, कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है, तो वो आराम से बता लेगा कि यदि मैं कार ड्राइव अच्छे से कर लेता हूँ तो मेरी उसमें दक्षता है। तो ये मतलब कहना चाहिए बिल्कुल शाब्दिक अर्थ को ग्रहण करता है, मूल शब्द है। जबकि जो सीखने का प्रतिफल है ये एक विशेष शब्द है, यानी कि ये टीचिंग लर्निंग टूल है। और ये इसको यदि आप किसी जनसाधारण से पूछेंगे कि सीखने का प्रतिफल क्या है तो शायद वो आंसर ना कर पाए, लर्निंग आउटकम्स क्या है तो शायद आंसर ना कर पाए कि क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मेजरिंग टूल है। तो ये दोनों मुख्य अंतर हो गए इसमें। अब उसके बाद हम थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं यहाँ पर। जैसे एक दक्षता हमने ली है, क्या
कि स्वयं के प्रति आत्म जागरूकता प्रदर्शित करता है, ये पहली दक्षता है। अब इस दक्षता को हम देखिए ऊपर कॉलम में बना है, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, बाल वाटिका, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में एक ही दक्षता को कैसे हम पहुंचाएंगे, है ना। तो जो प्री स्कूल 1 है, आपको अभी सर ने बताया कि उम्र जो है वो 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं। तो जो 3 वर्ष का बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा, वो इसमें क्या कर पाएगा? तो इसमें कर पाएगा कि अपने बारे में कुछ शारीरिक विशेषताएं वो बता सकता है। ये इसके लिए इसका सीखने का प्रतिफल हो गया। मतलब इस पे हमको इसको जांचना है कि वो कुछ शारीरिक विशेषताएं अपनी बता सकता है। यदि बता ले रहा है तो हम कहेंगे कि वो इस लर्निंग आउटकम में दक्ष है या इसमें उसकी दक्षता हासिल हो गई है। प्रे स्कूल 2 का बच्चा क्या करेगा कि शारीरिक विशेषताओं के अनुसार स्वयं का वर्णन कर पाएगा उसी आधार पर, है ना। फिर क्लास मतलब कैसे इसको फॉर एग्जांपल लें तो वो बता पाएगा कि मेरे कितने हाथ है, कितने आंख है, कितने कान है और मैं ऐसा हूँ और मेरे जैसा कौन है, ऐसा वो बता पाएगा। मतलब जानवरों से पक्षियों से तुलना कर पाएगा। फिर बाल वाटिका का बच्चा क्या कर पाएगा, अपनी और दूसरे दोनों की शारीरिक विशेषता, जेंडर, रुचि, पसंद, नापसंद। देखिए पहले मैं सिर्फ शारीरिक वर्णन कर रहा था, लेकिन सेकंड थर्ड जो सॉरी बाल वाटिका का बच्चा है वो पसंद नापसंद भी बता पाएगा कि मतलब चिड़ियों को क्या पसंद है और मेरे को क्या पसंद है, मेरे दोस्त को क्या नापसंद है और एक अगर डॉग है तो उसे क्या पसंद है। फिर क्लास 1 का बच्चा इसको कैसे कर पाएगा, विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों को पहचानेगा और उनकी गतियों का प्रयोग भी कर पाएगा। मतलब उसे पता रहेगा कि मेरे हाथ से क्या काम होगा, मेरे मुंह से क्या काम होगा। वो हाथ का काम मुंह से नहीं लेगा ना मुंह का काम हाथ से नहीं लेगा। फिर क्लास 2 का बच्चा क्या कर पाएगा कि वो सही मुद्रा बनाए रखेगा, मतलब जो उसके शरीर को जैसा उसे रखना चाहिए वो बना पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो प्री स्कूल का बच्चा था वो अपनी सफाई का ध्यान नहीं रख पाएगा, वो अपना खाना खाने के बाद मुंह नहीं पोछेगा, पर क्लास 2 का जो है वो इस चीज को करने में सक्षम होगा। फिर क्लास 3 में यदि हम आए तो स्थूल गत्यात्मक कौशलों को सुदृढ़ कर और बढ़ाने के विभिन्न खेलों में भाग लेता है। अब यहाँ आज का जो क्लास 3 का बच्चा है, देखिए स्वयं के प्रति आत्म जागरूकता, इसको वो कहाँ ले जा रहा है कि उसे पता है कि मुझे कौन से खेल खेलने हैं, कौन सा खेल मेरे लिए अच्छा है। यहाँ तक एक ही दक्षता का हम परीक्षण कर पाते हैं विभिन्न कक्षाओं में। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको भाषा का मिला, ये अभी जो मैं पढ़ रही थी वो पर्यावरण का था, फिर उसके बाद और नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको गणित का मिलेगा। तो थोड़ा समय को देखते हुए मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ और बस मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हमें दक्षता आधारित शिक्षा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रणाली की ओर क्यों बढ़ना है। तो इसलिए कि एक ही कक्षा में बच्चों की आयु में बहुत अंतर होता है ना, 5-6 महीने से लेके साल भर के भी छोटे बड़े होते हैं। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उसको वर्तमान में जो निपुणता प्राप्त कर रहा है, दक्षता प्राप्त कर रहा है, उसके आधार पर ही अगले स्तर में जाने की बात होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ बच्चे स्कूल में एडमिशन जुलाई में होता है तो कुछ पूर्ण कर चुके होते हैं आयु को, कुछ करने वाले रहते हैं, उसका अंतर को यहाँ पर ध्यान देने की बात नहीं कही जा रही है। या इतने उम्र के हो गए तो आप इस कक्षा में हो गए, ऐसा नहीं कह रहा है ये। फिर उसके बाद इसमें आकलन का जो रचनात्मक पहलू है उसी का ही उपयोग किया जाता है कि बच्चों को उसमें गहरी समझ आ गई और उसको वो अप्लाई कर पा रहा है, अनुप्रयोग कर पा रहा है, मतलब उसका वो कहीं उपयोग कर पा रहा है। तो फिर उसके बाद होगा, मतलब एग्जाम्पल के लिए यदि वो कक्षा में जोड़ घटाना सीख चुका है तो उसे बाजार जाके अपने लिए कुछ खरीद के रुपए का लेन देन करना आना चाहिए, ये इसका अर्थ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़े समय में पर आपने कुछ समझ बना ली होगी और आप शेष इसका अध्ययन अपने कोर्स के साथ कर सकते हैं और उसमें फिर आप अपनी समझ में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तकनीकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच तलोकर जी हैं, वो कार्यक्रम से संबंधित कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं और कैसे लॉगिन किया जाना चाहिए ये जानकारी आपको देंगे। चलो कर धन्यवाद साहू सर।
ये मॉड्यूल 3.0 स्टार्ट हुआ है। आप सभी साथी जो इस मॉड्यूल को करने वाले हैं, मुझे पता है कि आप लोगों ने 1.0 नाम नहीं दिया गया था उस समय इसका, लेकिन जो निष्ठा के 18 मॉड्यूल आपने पिछले साल किए थे, तो आप में से बहुत सारों ने बहुत अच्छे से किए थे। बहुत सारे तकनीकी दिक्कतों के बाद भी, इंटीरियर में नेट की कनेक्टिविटी नहीं होने के बाद भी, आप में से अधिकतर लोगों ने उन मॉड्यूल को पूरा किया था। इस बार सबसे बड़ा अंतर जो है कि आपको 15 दिन में 3 मॉड्यूल नहीं करने हैं, इस बार आपको 30 दिन में 2 मॉड्यूल करने हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस मॉड्यूल में जो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, पिछले बार जो आप दीक्षा ऐप पे निष्ठा का ट्रेनिंग कर रहे थे, जो जो तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, वो सारी दिक्कतों को कम करने का प्रयास किया गया है। मैं आप सभी प्रधान पाठकों से और शिक्षकों से ये अनुरोध करूंगा कि ऐप जो है, जो पुराना, जो पिछली बार जो आपने डाउनलोड किया था, उसको अनइंस्टॉल कर लेंगे। पहले अनइंस्टॉल करके नया जो 4.0 से ऊपर का जो है ऐप, उसको डाउनलोड आप करेंगे, और अपने वो क्रेडेंशियल अगर आप भूल गए हैं तो आप फॉरवर्ड पास करके उसको आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो पिछले और इसमें अंतर आएगा, एक ये है कि आपको इसमें लास्ट में, आपको जब आप पासवर्ड बना लेंगे, आप इसमें एंट्री कर लेंगे, आप अपना 11 डिजिट का एम्प्लॉय कोड दर्ज कर लेंगे, आखिरी में आपसे ये पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबका होना ही चाहिए, आखिरी में आपसे पूछा जाएगा कि मैं दीक्षा एडमिन के साथ इन विवरणों को साझा करने के लिए सहमत हूँ। इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप सहमति देंगे तभी आपको, जो आपने देखा होगा कि पिछले साल जो निष्ठा हुआ था उसका 700 रुपीज़ 700 रुपये 818 मॉड्यूल पूरे करने वालों को देने की प्रक्रिया चल रही है। मुश्किल से एक आध हफ्ते में वो पैसा, जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है उनके अकाउंट में, वो उस अकाउंट में जिसमें सैलरी आती है उसमें ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे 3.0 में कि आपको जब तक आप पूरे मॉड्यूल नहीं करेंगे तब तक आपको ये प्रतिपूर्ति राशि जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी साथी ये अनिवार्य, ये प्रशिक्षण जो है अनिवार्य है 3.0 निष्ठा का, और इसमें आप देखेंगे इस पत्र में जो सबसे आखिरी 2 लाइन लिखी गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रतिभागी इन मॉड्यूल्स को पूरा नहीं करेगा तो उन पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। ठीक है, तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। तीसरा जो इसमें जो महत्वपूर्ण चेंज इस बार हुआ है वो ये हुआ है कि क्वेश्चंस जो है वो रैंडम आएंगे। रैंडम का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन मुझे, मैं मान लीजिए कोर्स कर रहा हूं तो मुझे जो मिल रहा है वो साहू जी को वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार हम अगर इस कोर्स को, जैसा साहू सर ने भी आपको बताया कि बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आप जब फ्री है आप तब आप कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि 1 तारीख को आप दोनों आपके जो विषय है उनको आप पंजीयन कर लीजिए बारी बारी से। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला कोर्स है तो पहला कोर्स आप करेंगे तब दूसरा पंजीयन करें, दोनों में से जो आपको, दोनों पंजीयन कर लीजिए। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन के आंसर जब तक आप 20 में से 14 क्वेश्चन के सही आंसर नहीं होंगे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड आपसे नहीं होगा, सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। और अधिकतम जैसा आपको बताया गया पहले कि 3 बार आपको चांस मिलेगा, तो 3 बार चांस में आप अगर तीनों चांस अगर ले लेंगे तो इस साल आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको उस मॉड्यूल के लिए। तो आप अगर इसको पढ़ के करेंगे, बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान देने की है। उसके बाद इसमें इस बार ध्यान रखिएगा कि इसमें आसानी ये कर दी है कि आप अगर ऐप को डाउनलोड करके आपने अपना रजिस्ट्रेशन अगर पंजीयन पूरा कर लिया है तो खोज वाला जो पोर्शन है वहां पे जाके आप CGFLN 2021 डालेंगे तो आपके मॉड्यूल दिखना शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल सरल तरीका है ये, इसमें कोई अंडरस्कोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं इस बार। और दूसरी जो बात है कि इसमें आपको ये कोर्स जब आप कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट होगा। कुछ साथी जिनके मैं अभी देख रहा था, आप प्रोग्राम देख रहे थे तो मैं मोबाइल पे नजर रखा हुआ था, तो कुछ साथियों ने कहा कि हमारा ये कोर्स जो है 96% से आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों ने और भी इस तरह की बात बताई। तो ये ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं कि ये मोबाइल पर ही आपको ये आपको कोर्स पूरे करने हैं। अगर कुछ शिक्षक साथियों के पास
ऐप अपने पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है या आपके जो सिम प्रदान करने वाली कंपनी या मोबाइल में ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है कि कोई आपको डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो जिस शिक्षक साथी के मोबाइल पे वो कोर्स हो चल चुका है उस मोबाइल में जाके आप गूगल गूगल आपका जो ब्राउज़र है उसमें आप अपना अकाउंट खोल के आप उस दूसरे साथी के मोबाइल में भी आप कोर्स कर सकते हैं। ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐप में एक ही व्यक्ति कर सकता है जिसका वो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आप मोबाइल में गूगल ब्राउज़र का उपयोग करके वहाँ अपने दूसरे साथी को भी उस मोबाइल में आप कोर्स पूरा करवा सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इस काम में। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे आज आप देख रहे हैं आपसे बात हो रही है, आज पूरे छत्तीसगढ़ में जियो का जो नेटवर्क है वो फेल दिखा रहा है, तो ऐसी दिक्कतें बार बार दूसरी कंपनियों में भी आ सकती है। कहने का मतलब है कि आपको ये कोर्स करने के लिए जो समय इस बार दिया जा रहा है वो बहुत लंबा समय है। पिछली बार आपको जो जैसा मैंने आपको बताया बहुत कम समय में ज़्यादा मॉड्यूल करने थे, इस बार आपको 30 दिन में सिर्फ 2 ही मॉड्यूल करने हैं। इसको अच्छे से पढ़ के आप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको 17 से 18 प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसान आराम से दे सकते हैं, कोई इसमें बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। और इससे संबंधित जो इस तरह की आगे दिक्कत आएगी उसके लिए हमारे यहाँ जो तंबोली जी देखते हैं वो हमारे SCERT के साइट पे आपको हेल्प करके एक वो देंगे, वीडियो हेल्प करके, उस ऑप्शन पर जाकर आप ये कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, क्या दिक्कतें आ रही है या कैसे क्या सही तरीका है, उसके वीडियो हेल्प आपको मिलेगी, वो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। आज चूंकि समय पूरा हो चुका है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अब आगे की बात करने के लिए साहू सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। मुझे आशा है आज के इस कार्यक्रम में हमारे शिक्षक साथियों को लाभ मिलेगा और ये जो कोर्स है 12 कोर्स है या 12 मॉड्यूल कहें, इस पूरे 12 मॉड्यूल को पूरा करेंगे। और जब तक हमारे शिक्षक 12 मॉड्यूल को पूरा नहीं करेंगे तो बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान क्या होती है और वो दक्षताएं जो बच्चों में आनी चाहिए वो दक्षताएं नहीं आ पाएगी। और इससे निपुण भारत योजना जो सफलतापूर्वक संचालित होनी चाहिए रहेगी, संपन्न होना रहेगा, फिर उसमें शिक्षकों को दिक्कत आएगा। ये प्रशिक्षण बार बार नहीं होगा क्योंकि 5 साल में केवल प्रशिक्षण ही नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होंगी। अभी तो शिक्षकों को क्षमतावान किया जा रहा है और जब तक शिक्षक क्षमतावान नहीं होंगे विद्यालय में बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की जो जानकारी है वो सही तरीके से नहीं आ पाएगी। और जिस तरह से अभी बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र करते रहेंगे। तो सभी शिक्षक साथियों की जिम्मेदारी है कि इस पाठ्यक्रम को उसको पूर्ण करना अनिवार्य है, उनकी जिम्मेदारी है, उनके कर्तव्य है, ताकि हमारा जो शिक्षा के लक्ष्य है, FLN मिशन का उद्देश्य है, वो उद्देश्य पूरा हो सकेगा। इन्हीं आशाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त किया जाता है। और जैसा कि आपको शुरू में कहा गया है कि हर महीने की 1 तारीख को जब कार्यक्रम कोर्स चालू होगा, अगले महीने का जो कोर्स होगा वो कोर्स 3 और कोर्स 4 होगा, तो हम कोर्स चालू होने के दिन या उससे 1 दिन पहले पूरे कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, ताकि आपको पढ़ते समय कोर्स को पूरा करते समय आपको ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि आप कोर्स के शुरुआत में, महीने के शुरुआत में इस वेबिनार में अवश्य जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।